अब हम करके फिर से नाम कर सब लॉक कर। कल हमने समझ की थी आपको लॉक कर क्लियर था ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना में? ओके तो आज हम करके क्वेश्चन आते हैं। देखो बुक तो बड़ी गंदी होती है, बुक में तो 3 या 4 क्वेश्चन भी नहीं होते जो एनसीईआरटी की बुक से। तो आपके पास बुक तो है ना सारी? ओके आप मैथ्स से निकाल लेना। तो मैं ये कह रही थी कि बुक तो आपके पास हो गई, लेकिन जो लॉ ये इंग्लिश थी फर्स्ट लिंग इंग्लिश थी, लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होते। मैं सारे बच्चों को पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाती हूँ, लेकिन बुक से भी करवाती हूँ, वो मैं लास्ट में करवाती हूँ। आज और कल लग के पहले मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा, आप क्वेश्चन भी पढ़िए और आंसर मत करना, पहले क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन रुक जाओ, बाय हूँ ये चैप्टर किसने लिखा आप बताओ कि ना देखो। आप लिखोगे द चैप्टर इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद, या मुल्क राज आनंद हैज रिटन दिस चैप्टर। इज दैट क्लियर? क्लियर हाँ। सेकंड क्वेश्चन रीड करो। रुक जाओ आप बताओ इस चैप्टर में कितने करेक्टर्स हैं? 4। कौन कौन से? वेरी गुड, देर आर 4 मेन कैरेक्टर्स इन द चैप्टर, दैट इज ऑथर, जो ऑथर है, दूसरा मम्मी पापा, 2 लोग होगा थी और एक छोटा बच्चा लॉस्ट है, 4 कैरेक्टर्स का ओवरऑल स्टोरी है। गुड, थर्ड क्वेश्चन रीड करो। रुक जाओ, शुरुआती तौर पर जब चैप्टर स्टार्ट होता है, जब चैप्टर बिगेन होता है, शुरू होता है, तो तब क्या होता है इस चैप्टर में आप बताओ, मतलब एंट्री कैसे होते हैं? हाँ बताओ। क्या करते हैं वो लोग मिलकर? दे गो इन अ फेयर, सब एक बहुत अच्छे मेले में जाते, उसका आंसर भी रीड कर लो। आई गेस ई मतलब होता है दैट इज, इस चैप्टर में 3 लोग मेन होते स्टार्टिंग में, जो कि होता है एक बच्चा और उसके पेरेंट्स, और वो लोग एक मेले के अंदर एंटर करते हैं। एंटर ना किया वो लोग एक मेले के अंदर, ब्यूटीफुल से मेले के अंदर एंटर। क्लियर बेटा? पहले सोच कर क्वेश्चन रीड करो। जी बेटा वर्गुल कहाँ गए, कहाँ जा रहे थे? हाँ वो तीनों मिलकर कहाँ जा रहे थे? मेले में, और वो बहुत ही सुंदर मेला था। एक बार इसका आंसर पढ़िए। गेम फैसिनेटेड, आप धीरे धीरे इसका मतलब समझो। आगे से अगर आप नोट्स लिखोगे ना आपके पास, तो मैं आपको जैसे सलोनी को अंडरलाइन करवा देती हूँ, मैं अंडरलाइन करवा के आपको उससे मीनिंग लिखवा देती। चलो फिर भी आप याद रखना, सारे लोग मिलकर सुंदर से मेले के अंदर जा रहे थे। ऑल ऑफ देम वर गोइंग इन अ ब्यूटीफुल फेयर, एक बहुत ही सुंदर मेले के अंदर जा रहे थे। और जिस मेले में बहुत अच्छे से कलरफुल गेम्स थे, कलरफुल झूले थे, और बहुत अट्रैक्टिव गेम्स थे, जिसे फैसिनेट किया, जिस चीज़ों को देख के छोटा बच्चा फैसिनेट हुआ। फैसिनेट मतलब बताओ। हाँ बच्चा उन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे बच्चे का नेचर होता है, छोटा बच्चा तो किसी के साथ जा रहा है उसको आदत होती है, मुझे ये दिलवा वो दिलवा, तो काफी ज्यादा फैसिनेटेड हुआ, काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुआ उन सारी चीजों के साथ। जब आप आंसर लिखोगे ना, तो उसको पेंसिल से पैसे उसको अंडरलाइन करना, उसको लिख देना अट्रैक्ट, AAAR ACT। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया? रुक जाओ पहले आंसर आप बताओ। छोटा बच्चा था, लॉस्ट फ्रेंड था, वो किस टाइप का बच्चा था? मैंने आपसे कल भी पूछा था, मतलब किस टाइप का बच्चा था? अच्छा था, बेकार था, गंदा था? ठीक,
और मतलब आप ये कह सकते हो, हाँ फिर तो किसी भी हालत में लेता, आप ये कह सकते हो कि बच्चा था वो तो चाहिए ज्यादा चीजें थी, वो भी ज्यादा मतलब फैसिनेटिंग था, डिमांडिंग था, उसे काफी सारी चीजें चाहिए थी, और वो चाहता था उसकी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली उसकी इच्छा पूरी तो हो नहीं पाई थी। हाँ बोलो, आप कुछ कह रहे थे। हाँ वो चाहता था, हाँ रोने लग जाता, हाँ लेकिन नहीं ऐसा नहीं, इस चीज का पता चलता ना, ऐसा नहीं था क्योंकि जब खत्म हुआ जाते है तो उसके बाद वो अपने पापा मम्मी के लिए रो रहा था, मतलब अगर उसे प्यार ना होता या ज्यादा जुटी बुद्धि होती तो पापा मम्मी को कभी भी याद ना करता, वो काफी रो रहा था उन्हीं के लिए। ठीक है, आंसर यूज करो। फाइव का आंसर, हाँ रुको, ऑलवेज विशेष वर्ड एक वर्ड में लिखना मिल गया, अब यहाँ पे लिख देना ऑलवेज विशेष वर्ड नॉट फुलफिल्ड, मतलब योर चाइल्ड एक ऐसा बच्चे है वो डे ड्रीमर था, सपनों की दुनिया में रहता था और सोचता रहता था कि मुझे वो मिल गया वो मिल गया, लेकिन भले ऑल्दो फिर भी उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई थी, ऑल्दो इज विच इज वर्क नॉट फुलफिल। ठीक है, इसमें बात समझ गए। ओके, सिक्स क्वेश्चन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लिख देना, मैंने जब आपको सेंड करूंगी ना तो मैं उसमें चेक करूंगी, मैं ऑनलाइन में चेक करती हूँ, तो जब मैं चेक करूंगी तब मैं आपको इसमें आपकी गलती बता सकती हूँ। हाँ पढ़ो, क्या चैम्बर का शो देखना था उसे। वेरी गुड, तो मतलब यही सारी चीजें इसमें तो पढ़ने वाले बात है, कलरफुल बैलून स्वीट के लिए थी, झूले को झूलना था, गेम वो बैलून बना था, ऐसे सारे चैप्टर मैं छपवा दूंगी, सारे चैप्टर सारे पर हर सब्जेक्ट के, तो वो क्या करते हैं वो स्वीट के लिए थे, फिल्म के लिए थे, शूटिंग खेलना था, टॉयज के लिए थे, माला के लिए थे, सांपों का सपेरे का शो देखना था। इसमें बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है?